जिले के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही पानी की सुविधा बाधित है। विकास मार्ग पर पानी की पाइपलाइन बदलने का कार्य जारी है। जल बोर्ड ने 24 घंटे तक आपूर्ति बाधित होने की बात कही थी, लेकिन 36 या 48 घंटे बाद भी इलाके में पानी नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि विकास मार्ग पर पाइपलाइन बदलने का काम चल रहा है। तय समय से ये पूरा नहीं हो पाया, लेकिन रात में इसे पूरा कर लिया जाएगा। रविवार सुबह पानी की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मरम्मत कार्य की वजह से पूर्वी जिले के शकुरपुर, गणेश नगर, स्कूल ब्लॉक, पांडव नगर, दक्षिण गणेश नगर कॉम्प्लेक्स व मयूर विहार फेज 1, 2 और 3 और त्रिलोकपुरी में पानी की आपूर्ति बाधित है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में टैंकर भी भेजे गए हैं, लेकिन इससे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई हैं। बताते चले कि इससे पहले 8 मार्च से 9 मार्च के बीच कई अन्य क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।